हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट का लेक्चर था वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर था, ठीक है ना। अब आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, जो अगला भाग है, बड़ी आंत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, इसके बारे में है। ठीक है, आज अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, है ना, इन दोनों में एक डिफरेंस है। छोटी आंत्र लंबाई में अधिक बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत्र लंबाई में छोटी होती है। लेकिन जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि बड़ी आंत्र का व्यास अधिक बड़ा होता है, यानी कि अंदर जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, छोटी आंत्र का व्यास छोटा होता है। ठीक है ना, जैसे आपने छोटी आंत्र में बात करी थी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत्र है, ठीक है ना, इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण भाग हैं, तीन मुख्य भाग हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है ना, सीकम, कॉलन, रेक्टम, ये तीन इंपॉर्टेंट भाग हैं। ठीक है ना, एक जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत्र है, मैं उसकी पोजीशन आपको बता दूं। आपने बात करी थी ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। इलियम की जो ओपनिंग हो रही थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही थी, बड़ी आंत्र के अंदर हो रही थी, ठीक है ना। तो जहाँ पर इलियम इस बड़ी आंत्र के अंदर ओपन होता है, यानी कि सीकम के अंदर ओपन होता, खुलता है, वहाँ पर एक वॉल होता है ना, एक वहाँ पर वॉल उपस्थित होता है, जिस वॉल को हम कहते हैं इलियोसीकल वॉल। ठीक है ना, यहाँ एक जंक्शन हो गया, यानी कि जहाँ पर इलियम इसके अंदर ओपन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये जो संधि है जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पर एक वॉल है, इस वॉल को नाम देंगे इलियोसीकल वॉल। ठीक है ना, तो जो इलियोसीकल वॉल है, यानी ये जो जंक्शन है जहाँ पर ये वॉल पाया जा रहा है, यहाँ से लेके एनस तक, लास्ट पार्ट एनस तक, ये जो भाग है ये बड़ी आंत्र है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, इलियम ओपन हो रहा है सीकम के अंदर। ठीक है, सीकम ह्यूमन बींग्स के अंदर, मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। ठीक है ना, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो शाकाहारी प्राणी हैं, उनके अंदर ये वेल डेवलप होता है, सुविकसित होता है। उसका कारण मैं बता दूं आपको, इसके अंदर सेल्युलोस डाइजेस्ट होता है, तो सेल्युलोस को पचाने वाला जो एंजाइम है ना, वो यहाँ सिंथेसिस, उसका संश्लेषण यहाँ पर होगा। ठीक है ना, उसको सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो इसको संश्लेषित करते हैं, यहाँ पर सेल्युलोस का डाइजेशन होता है। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्युलोस डाइजेस्ट होगा नहीं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वेल डेवलप नहीं होता। अब सीकम के एक छोर से एक ब्लाइंड ट्यूब निकली हुई है ना, इसको एक नाम दिया जाता है, अपेंडिक्स। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इसमें कोई इन्फेक्शन बाय द वे हो गया, तो इसमें सॉइलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, और एक असहनीय दर्द का एहसास होता है व्यक्ति को। ठीक है ना, इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, अपेंडिसाइटिस। ठीक है ना, अपेंडिसाइटिस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद भी मनुष्य में डाइजेशन की प्रोसेस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि मनुष्य में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल है ना, वो अवशेषी है ना, इसका कोई काम नहीं है, है ना। अब बात करते हैं अपन कॉलन की। कॉलन की जो पोजीशन है ना, जिस हिसाब से ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित है, इसकी जो पोजीशन है, उस आधार पर इसमें चार भाग बन जाते हैं। देखिए, ये वाली ट्यूब इस तरीके से जा रही है, यानी कि ये वाली जो इंटेस्टाइन है ये ऐसे जा रहा है कॉलन। ठीक है ना, इसको आपने नाम दिया आरोही, यानी कि असेंडिंग कॉलन। ठीक है ना, यानी फूड इसके अंदर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाली इस तरह की आड़ी एक इंटेस्टाइन है, कॉलन का भाग है ना,
अनुप्रस्थ कंडीशन के अंदर है तो इसको अपन ने अनुप्रस्थ नाम दे दिया, अनुप्रस्थ कॉलन, ठीक है ना। इसके बाद में ये नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से, यानी कि फूड नीचे की तरफ आएगा, इसको कहा आपने अवरोही कॉलन या डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो कॉलन है ये एस की शेप में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना, एस की शेप में मूवमेंट कर रहा है, तो इसको नाम दे दिया सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है ना। अब क्या है, कॉलन की जो वॉल है ना, इसकी जो दीवार है, इसमें कुछ अनुदैर्ध्य पेशियों की बैंड्स पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, जिसको सपोर्ट करती हैं, इसको मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को, ठीक है ना। और इसमें इन जो ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं, है ना, इनको एक नाम दिया जाता है टीनी कॉलाई, ठीक है ना। टीनी कॉलाई की वजह से जो कॉलन है इसकी दीवार में संकुचन होगा, और जस्ट लाइक ए पाउच, है ना, ये थैलेनुमा से स्ट्रक्चर बन जाती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ सी बन जाती हैं इस तरह की, है ना, इनको एक नाम दिया जाता है होस्टा, ठीक है ना। अब जो कॉलन है इसकी जो ओपनिंग हो रही है ना, वो रेक्टम में हो रही है, ठीक है ना, मलाशय में हो रही है, ठीक है। मलाशय में यहाँ पर जो भोजन पचा नहीं है, है ना, वो मल के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट में जो रेक्टम है वो एक एनल कैनाल बनाता है, एक लंबी सी नलिका बनाता है, ठीक है ना। एनल कैनाल की जो ओपनिंग हो रही है वो एनस के अंदर होती है, है ना। एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है ना। पहले बता चुके हैं कि इसका जो डायमीटर है वो अधिक बड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है, इलियोसीकल जंक्शन, मैंने आपको बताया था जहाँ इलियम इस सीकम के अंदर ओपन हो रही है, तो जहाँ ये जुड़ रहे हैं आपस में, यहाँ से लेके और गुदा तक यानी एनस तक जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंत्र है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था तीन इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। हम पहले बात कर लेते हैं सीकम की। मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेल डेवलप नहीं होती ह्यूमन बींग्स के अंदर, यह मनुष्य में अल्प विकसित होती है, लेकिन जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी हैं, है ना, खरगोश आदि जो प्राणी हैं उनके अंदर ये वेल डेवलप होती है, शाकाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। अब सीकम का जो एक एंड है, यहाँ से एक ब्लैंड ट्यूब निकली हुई है जिसको अपेंडिक्स कहेंगे, ठीक है ना। अब देखें ये लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी अपेंडिक्स होती है। मैंने आपको बताया कई बार इसके अंदर सूजन आ जाती है किसी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना। इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। डॉक्टर्स इसको सर्जिकल रिमूव कर देते हैं तो भी मनुष्य की पाचन क्रिया पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मनुष्य में ये अवशेषी अंग के रूप में काम करती है, ठीक है ना। अब आप देखें कॉलन की बात कर लेते हैं अपन। कॉलन में अनुदैर्ध्य पेशियां पट्टियां हैं, ये नज़र आ रही हैं, है ना, स्काई ब्लू कलर से मैंने शो कर रखी हैं, है ना। इनको टीनी कॉलाई कहा जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही हैं, है ना। अब कॉलन की भित्ति में संकुचन होगा, ठीक है ना, जिसके कारण पॉकेट्स के जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जिनको होस्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। कॉलन की जो पोजीशन है, है ना, मैंने बताया जो स्थिति है उसके आधार पर कॉलन चार प्रकार का है, आरोही, ठीक है ना, एसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन, अवरोही, वो नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से, और एक जो एस शेप का है इसको हम बोलेंगे सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है ना। और लास्ट जो भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम, ठीक है ना, मलाशय कहते हैं इसको। इसके अंदर जो भोजन पचा नहीं है वो मल के रूप में संचित हो जाता है और बाद में उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो रेक्टम है, रेक्टम का जो अंतिम भाग है वो एनल कैनाल कहलाता है, ठीक है ना, एनल कैनाल, जो किसके द्वारा बाहर खुलेगा, एनस के द्वारा बाहर खुलेगा। जो एनस है, जो गुदा है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ दो प्रकार की अवरोधनी लगी हुई हैं, ठीक है ना। जो एनस से मल के बाहर निकलने को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं, एक मसल है इंटरनल एनल इंस्पिंक्चर, है ना, अवरोधनी। दूसरा है एक्सटर्नल एनल इंस्पिंक्चर, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है
उसका ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेजर फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, एक तो ये फ्लूड्स को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, जो तरल पदार्थ हैं उनको ये अवशोषित करेगा, और ये साल्ट्स को भी अवशोषित करता है, ठीक है ना, ये इसके दोनों मेजर फंक्शन हैं। ठीक है, इस लेक्चर में अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करी है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल में अभी जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, है ना, वो बाकी हैं। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।